गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ हिमानी एंड माय सेल्फ रितु। वी आर हेयर टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक सिलिकॉन्स। बिफोर वी स्टार्टेड लेट मी क्विकली एक्सप्लेन द वर्ड पॉलीमर्स। सो पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट और पार्ट। So polymers can be classified into two parts, inorganic polymers or organic polymers. Inorganic polymers में silicon, phosphorus के साथ जो उसके derivatives है या aluminium, और organic के साथ carbon और उसके derivatives। हमने ये organic chemistry में तो पढ़ा ही हुआ है organic polymers के बारे में। इस chapter में हम silicons और phosphines के बारे में पढ़ेंगे, but I am explaining the silicon polymers. So polymers, these are the substances which have high molecular mass and formed by the repetition of monomeric unit. These are also called macromolecules, which means large molecules. Polymers ko hum macromolecules bhi bolte hain, but hum isko macromolecule, but the converse is not true, kyunki macromolecules may be single unit, but polymers, jaise maine bataya ki ye repetition of n monomeric units hai. और पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द मेन टॉपिक। व्हाट आर सिलिकॉन? सिलिकॉन्स आर द पॉलीमेरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन डेरिवेटिव्स। हिमानी वेट अ मिनट बेटा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बेटा। हिमानी आप इसको स्लाइड शेयर में चला सकते हो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा स्लाइड शेयर में। F5 करके जो आप दबाते हो उससे तो पूरा स्क्रीन पे पूरा यही नजर आएगा और कुछ चीज नजर नहीं आएगी। आप ऐसे ही करना चाहोगे? सर एक मिनट। मैंने याद दिला दिया, मैंने कहा वो प्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा। हाँ ये आपके राइट साइड को बिल्कुल सही किए बेटा। हाँ हो गया। हाँ यू कैन प्रोसीड। ओके डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड बेटा। सिलिकॉन्स आर द पॉलीमेरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन डेरिवेटिव्स कंटेनिंग SiO लिंकेजेस। जैसे हमने पढ़ा कि पॉलीमर क्या होते हैं, और ये पॉलीमेरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन डेरिवेटिव्स हैं, इसमें SiO लिंकेजेस होते हैं, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एंड कंटेन अल्टरनेट सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन विच द सिलिकॉन एटम्स आर जॉइंड टू ऑर्गेनिक ग्रुप्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसिलोक्सेन्स। इसको हम पॉलीसिलोक्सेन भी बोलते हैं। ऑक्स मतलब जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन के लिए यूज होता है, और पॉली मीन्स पॉलीमर के लिए, और एन्स हमने IUPAC में पढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पे एन्स लगाते हैं। दे हैव अ जनरल फॉर्मूला R2SiO, वेयर हियर R इज एनी अल्काइल ग्रुप एंड N इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन अटैच टू इट। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स बिकॉज दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे हमें पता है कि सिलिकॉन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट। कार्बन भी टेट्रावेलेंट होता है, बट उसकी जो है बॉन्ड लेंथ कम होती है आपस में, तो इनकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। बट सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, तो एक्सपैंड कर सकता है, प्रॉपरली बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसकी हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है। इसको हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नोमेनक्लेचर। जैसे हमें पता है कि CH4 का नोमेनक्लेचर हम मिथेन बोलते हैं उसको, ऐसे ही SiH4 के लिए हम सिलेन लगा देंगे। एन हमें पता है कि एन यूज करते होते हैं हाइड्रोजन के लिए, चार हाइड्रोजन है यहाँ पे, और Si के लिए सिलेन। ऐसे ही अगर दो सिलेन लगे हुए हैं तो यहाँ पे हम डाई सिलेन बोल देंगे, और अगर तीन सिलेन लगे हुए हैं तो ट्राई सिलेन बोल देंगे। नंबर ऑफ सिलिकेन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो डाई ट्राई। उसके बाद अगर यहाँ से दो एच मैं हटा दूं और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा लूंगी, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल सिलेन, इसको मिथाइल ग्रुप बोलेंगे। और अगर मैं क्लोरीन ग्रुप लगा लूं तो यहाँ पे डाई दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरोसिलेन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। IUPAC तो सिंपल ही है अभी तो। अगर अब यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप भी आ गया और मिथाइल ग्रुप भी आ गया, तो इसकी क्या नेमिंग होगी? दो क्लोरीन है और दो ही अल्काइल ग्रुप है, तो डाई क्लोरो डाई मिथाइल सिलेक्सेन। यहाँ पे तीन क्लोरीन है और एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ से, तो ट्राई क्लोरो मिथाइल सिलेन। सिंपल है, बस इतना तो हमने पढ़ ही रखा है पहले ही।
now it's hydroxy derivatives. OH के लिए we use prefix ol, हमें पता है, और इसमें वही सेम चीज हो जाएगी, बस SI के लिए SI लगाना है और H के लिए एन और उसके लिए ol. तो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट वाले का सिलेनोल. ऐसे अगर दो OH ग्रुप हैं तो दो OH ग्रुप के लिए हम डायोल यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिलेन डायोल. और अगर यहाँ पे तीन OH ग्रुप हैं तो ट्रायोल यूज करेंगे, सिलेन ट्रायोल. अब यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप आ गए और एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो यहाँ पे ट्राई मिथाइल सिलेन ऐसी. अगर यहाँ पे सिक्स दो दो सिलेन एटम है और यहाँ पे सिक्स OH ग्रुप है तो डाई सिलेन हेक्सोल. ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है पहले से कि इसकी नेमिंग वन के लिए क्या यूज करते हैं, टू के लिए क्या यूज करते हैं, तो ये तो इजी है. अभी ऑक्सो डेरिवेटिव्स की नेमिंग, जैसे ऑक्सो ऑक्सो के लिए कौन सा ग्रुप होता है, हमें पता है कि SiO SI, ये जो है वो ऑक्सो के लिए यूज करते हैं हम. इसका नेम क्या हो जाएगा, अगर सब में H है तो सिलोक्सेन, तीन मिथाइल यहाँ पे तीन सिक्स मिथाइल ग्रुप है तो हेक्सा मिथाइल डाई सिलोक्सेन. अब इसकी IUPAC में इतना ही था, बाकी तो कुछ भी ग्रुप आ जाए, ब्रोमो ग्रुप आ जाए या फिर कोई और ग्रुप आ जाए तो उसकी हम नेमिंग कर सकते हैं इजिली. पॉलीमर्स के नोमेनक्लेचर, पॉलीमर जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, सब्सटेंसेस विच हैव हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म्ड बाय द रेपिटेशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट. जैसे हमने पढ़ रखा है, 12th क्लास में भी हमने पढ़ रखा था ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ रखा था कि रिपीटेशन, जैसे इथेन का पॉलीमर तो CH2 कंबाइन करके एंड आई फॉरगेट द नेम कि उसका नेम क्या था उस पॉलीमर का. इथेन को हम एन यूनिट्स कंबाइन करते थे तो वो उसको एक पॉलीमर बनता है, बट मुझे उसका नेम अभी याद नहीं आ रहा. तो अगर इसकी नेमिंग करनी हो हमें SiCH3O, ये मेरे को पता है कि ऑक्सेन ग्रुप होता है, ये हमें पीछे पड़ा है अभी, तो यहाँ पे एन ग्रुप है तो यहाँ पे पोली यूज कर लेंगे, बाकी नेम सेम रहेगा डाई मिथाइल सिलोक्सेन. ऐसे ही यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप है ये वाला और ये ऑक्सेन ऑक्स वाला ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो पोली मिथाइल फिनाइल सिलोक्सेन. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले एम आएगा फिर पी आएगा, तो ये सिंपल है इसकी नेमिंग. बाकी हम इसको एन यूनिट्स में ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे. सो हमें एक चीज और भी याद रखनी है, एब्रीवेशंस टू रिमेंबर. जैसे ये ऑक्स वाला ग्रुप है, यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना सकता है, बाकी यहाँ पे इसके फिलअप हैं, यहाँ पे तीनों आर लगे हुए हैं, तो हम इसको हम मोनोफंक्शनल चेन भी बोलेंगे. सिलिकॉन्स को भी हम क्लासिफाई तीन ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो बता देना मुझे. सिलिकॉन्स को भी हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लीनियर और ब्रांच्ड और साइक्लिक सिलिकेन्स सिलेन्स. तो अगर यहाँ पे एक OH है तो इसको यहाँ पे मोनोफंक्शनल चेन यहाँ पे M यूज करेंगे हम यहाँ पे. अगर यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दो साइड से बॉन्ड बना सकता है ये, और बाकी यहाँ से तो ये फिल ही है, तो यहाँ पे डाई फंक्शनल हम ये डी यूज करेंगे फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये तो साइक्लिक बना नहीं सकता क्योंकि एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, तो बट ये दोनों तो ये साइक्लिक कंपाउंड बना सकता है और उसके वहां पे हम डी यूज करेंगे. और अगर यहाँ पे तीन है तो ट्राई तो हम यहाँ पे टी यूज करेंगे, मेन एलिमेंट ऑफ सिलोन रेजिन नेटवर्क्स क्रॉस लिंकिंग. यहाँ पे क्रॉस लिंकेज एलिमेंट्स बनेंगे, मतलब क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे. सो अगर यहाँ पे चार ऑक्सीजन है तो क्यू क्वार्टर क्वाड्री फंक्शनल बनेगा एंटायर क्रॉस लिंकिंग एलिमेंट ऑफ मेयरली इनऑर्गेनिक SiO2 बेस्ड नेटवर्क. सो आई होप ये समझ आ रहा होगा, ये सिंपल ही है. Now we discuss one of its applications, silicon fluids and or oils. मतलब इसमें जैसे मैंने बताया कि ये they have more advantages over organic, inorganic polymers have more advantages over organic polymers, easily market में भी available होता है ये, और it is restricted to
इसकी ये हाई टेम्परेचर हाई टेम इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हाई टेम्परेचर पर, तो इनके और भी एडवांटेजेस हैं जिस पे हम ऑर्गेनिक की जगह ये यूज़ करते हैं, ये सिलिकॉन सिलिकॉन पॉलीमर्स यूज़ करते हैं हम. सो सिलिकॉन फ्लूइड्स आर यूजुअली लीनियर पॉलीसिलोक्सेन ऑफ 50 to 200 यूनिट्स हैविंग लो मोलिकुलर वेट. मतलब यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 50 to 200 हो सकती है, मतलब कि 50 to 200 यूनिट्स कंबाइन करके सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स बनते हैं. कमर्शली हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बाई ट्रीटिंग अ मिक्सचर ऑफ साइक्लो डाई मिथाइल सिलोक्सेन. ये जो है साइक्लो डाई मिथाइल सिलोक्सेन है. एंड हेक्सामिथाइल डाइसिलोक्सेन, और इसको हम बोलते, इसका नेम क्या है, इसका नेमिंग तो हमें पता ही होगा क्योंकि यहाँ पे सिक्स मिथाइल ग्रुप है और ये ऑक्स वाला ग्रुप है, सिलोक्सेन वाला, तो हेक्सामिथाइल डाई ये हमने पढ़ लिया है पहले IUPAC नेम. इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वान्टिटी प्योर कंसनट्रेटेड H2SO4 में हम इसको ट्रीट करेंगे तो देन वी गेट सिलिकन फ्लूइड्स और ऑयल्स. इसकी n यूनिट्स, यहाँ पे n की वैल्यू 50 to 200 जा सकती हैं. इस स्ट्रक्चर जो है इसको हम सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स बोलते हैं. प्रॉपर्टीज क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स प्रोवाइड चेन बिल्डिंग यूनिट्स एंड हेक्सामिथाइल सिलोक्सेन प्रोवाइड्स चेन स्टॉपिंग ग्रुप्स. जो ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, ये वाला साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन, ये जो है चेन बिल्डिंग यूनिट्स देता है और सिलोक्सेन प्रोवाइड चेन स्टॉपिंग ग्रुप्स. मतलब जो चेन, ये हमने देखा कि लीनियर स्ट्रक्चर बना है इसका और ये जो है साइक्लिक है, तो ये चेन बिल्डिंग, तो इसके अपने अलग अलग फंक्शन है. चेन बिल्डिंग यूनिट्स देता है और हेक्सामिथाइल सिलोक्सेन प्रोवाइड चेन स्टॉपिंग ग्रुप्स. सो एवरेज चेन लेंथ और मॉलिकुलर वेट ऑफ अ पॉलीमर इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ दीज चेन बिल्डिंग एंड चेन एंडिंग ग्रुप्स. इसके रेशियो से वेट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर डिटरमाइंड बाय रेशियो ऑफ दीज, इनका जो रेशियो होता है वो मॉलिकुलर एवरेज चेन लेंथ देता है हमें. ये जो H2SO4 है वो क्या काम करता है, SiO बॉन्ड्स फॉर्मिंग SiO SiO4 esters, एंड ये जो है इसके बॉन्ड स्प्लिट करता है और ये वाला बॉन्ड बनाता है, ये esters एंड SiOH वाला. द esters हाइड्रोलिसिस बैक गिव टू SiO बॉन्ड. दिस प्रोसेस गोज ऑन रिपीटिंग एंड रिजल्ट्स इन दी, ये प्रोसेस मतलब बार बार होता रहेगा और इसकी n यूनिट्स बनती रहेंगी और जिसको हम बोलेंगे सिलिकॉन फ्यूल्स. इसकी बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी इंक्रीज विद चेन लेंथ एंड एन आर इनर्ट और नॉन टॉक्सिक मटीरियल एंड हैव लो सरफेस टेंशन. चेन लेंथ इसका बढ़ती जाएगी तो इसकी सरफेस टेंशन जो है वो कम है. यूजेस क्या है सिलिकॉन फ्यूल्स के, यूज एज अ वाटर रिपेलेंट फॉर ट्रीटिंग एंड बिल्डिंग ग्लासफेयर एंड फैब्रिक्स, यूज एज अ डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटीरियल, एज कैपेसिटर एंड ट्रांसफॉर्मर फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक ऑयल्स, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स फॉर लिक्विड एंड स्प्रिंजेस एंड लुब्रिकेंट्स. और ये इनके यूजेस हैं, ये तो सिंपल लर्न करने हैं हमें कि किस चीज में यूज होता है. यूज्ड एज अ हीट ट्रांसफर मीडिया इन हीटिंग बेल्ट्स एंड कंपोनेंट्स इन कार पॉलिशेस, सनटैन लोशन, लिपस्टिक, शैम्पू एंड अदर कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस. यूज्ड एज अ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स एंड हाइड्रोफोबिंग एजेंट्स इन सीवेज डिस्पोजल, टेक्सटाइल, डाइंग एंड बियर मेकिंग. फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है ये सिलिकॉन ऑयल्स, एंड देयर कंप्लीट इनर्टनेस एंड नॉन टॉक्सिसिटी अलाउज देम टू बी यूज्ड इन कुकिंग ऑयल्स एंड द प्रोसेसिंग. नॉन टॉक्सिक होता है तो कुकिंग ऑयल और फ्रूट जूस में भी यूज होता है ये. सो थैंक यू. नाउ रितु विल टेल द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स. थैंक यू सर, उसको प्रेजेंटर बना दो अब. थैंक यू वेरी मच बेटा. थैंक यू सर.
हमें बेटर जो आप कर सकते हैं। यस सर। हिमानी आप प्रेजेंटिंग स्टॉप कर सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको कर लिया सर। सर आ रही है मेरी स्क्रीन? शेयर करो बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक आपकी। अब हो रही है शेयर सर? नहीं बेटा मेरे पास तो आई नहीं है, और किसी के पास आई है क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट सर। नो सर। ओके ओके, ये माइक के पास एरो वाला बटन है ना, वहां से। हाँ हाँ एक मिनट। अब हो रही है सर शेयर? शेयर हो रही है सर? अब नहीं हो रही, शो नहीं हो रहा अभी तो बेटा, हमें तो शो नहीं हो रहा शायद। सर यहाँ तो आ गया सर, मुझे तो हो रही है। मैं हो रही है शो सर? हो सकता है मेरे को भी हो जाएगी। रितु अच्छा हो रही है सर, पोस्टेड करना है। फ्रंट पेज आ गया उसको स्क्रीन के ऊपर आपका, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स आया? नो सर। आप लोग वही मीटिंग में जो बच्चे बताओ जरा कि आप लोगों को शो हो रहा है, ये स्क्रीन विजिबल है? नो सर। क्योंकि मुझे विजिबल नहीं थी, इसलिए मैंने कहा बेटा, मैंने कहा हो सकता है मुझे ना, मेरे पास कनेक्शन कनेक्टिविटी का इशू है। यहां से तो हो गया स्टार्ट। एक काम कर बेटा, इसको दोबारा बैक करके दोबारा वो कर, उसमें दोबारा ज्वाइन कर। कई बार टेक्निकल इश्यूज है बेटा, हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा ज्वाइन करो। हां दोबारा नहीं, ज्वाइन नहीं करना दोबारा, स्टॉप शेयरिंग करके। हां स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा बाहर निकलो और दोबारा एंट्री करो मीटिंग में, मतलब मीटिंग में नहीं सॉरी, इसमें प्रेजेंटिंग प्रेजेंट दोबारा करो, शेयर दोबारा करो, स्क्रीन शेयर। ओके सर वेट, क्योंकि आपकी स्क्रीन तो हमें नजर आ रही थी पूरी, लेकिन बट वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही थी जिसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। अब आ रही है सर? आपका ना बेटा जो ये जो आपकी पिक्चर है ना जनरली वो दिख रही है, आपकी जो स्क्रीन नजर नहीं आ रही हम लोगों को, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आपका जो ये डीपी लगा रखी, डीपी आपने कुछ नहीं लगा रखी, आर जैसे नजर आता है मीटिंग्स के अंदर जो वो आपकी फोटो पे, तो वो तो नजर आ रहा है, और वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। मतलब मेरे साथ तो ये हो रहा है, आई डोंट नो औरों के साथ क्या हो रहा है। सर एक मिनट, आपने प्रैक्टिस की थी ये हिमानी के साथ, थोड़ा आइडिया लगा था कुछ? यस सर, ये कल ही रात को किया था और ये कल रात तो आ रही थी। सर यहाँ तो हो रहा है स्टॉप शेयरिंग, आर लिखा हुआ आ रहा है बस, या फिर बस आर शो हो रहा है। हाँ एक काम करो, नहीं तो किसी आप में से कि मैं से किसी के पास सेंड कर दो ये फाइल, वो वहाँ ओपन कर दे, जैसे हिमानी ओपन कर दे वहाँ, और आप उसको देख देख के बोल दो। फिर सर टाइम लगेगा, तो आप किसी और को सेकंड प्रेजेंटर को कर दो इतने। नहीं टाइम क्या लगना है बेटा, ये मैं आपके लैपटॉप पे पड़ी हुई है मीटिंग, फोन से कर ले रितु। तो फोन में मैंने अभी सेंड नहीं किया ना, मैंने लैपटॉप में ही रखा हुआ है। ओके या फिर सर दोबारा एक बार ज्वाइन कर ले ये मीटिंग। सर होगी थी स्क्रीन शो? नहीं हुई सर, स्क्रीन शो होगी थी, होगी थी सर, देखी थी, हो गई थी, हो गई। अब आप बताओ बेटा, अब हो गई है? रितु थोड़ा वेट कर लो, फिर हो जाएगी शो, थोड़ा ऐसे यहीं पे रहने दो, इसको अपने आप शो हो जाएगी। चलो वेट कर लो, ये कह रहे हैं तो वेट कर लेते थोड़ी देर, होना चाहिए शो। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि स्क्रीन जब शेयर करते हैं तो ये आइकन नजर नहीं आता जनरली, जो आपका टीम के ऊपर जो होता है ना, आपकी स्क्रीन ही नजर आती है या फिर नहीं आती, दो ही चीजें होती हैं। नेट की कनेक्टिविटी इशू हो सकता है जिसकी वजह से कुछ डिले हो, लेकिन ये आइकन नहीं नजर आता जनरली उसमें, उसमें फिर पूरी स्क्रीन नजर आती है जो आपके जिस पे चल रहा होता है, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। कोशिश करो बेटा तो देखो एक मिनट मीनवाइल, नहीं तो फिर दूसरी टीम को बुलाते हैं, फिर आपका प्रोसेस बाद में करवाएंगे।
ओके सर, आ रहा है कुछ? कल तो हो गया था, ऐसे किया था। नहीं हो गया, हो सकता कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही होगी, डोंट नो अबाउट दो कि वो क्या हो रही होगी, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप एक होगी सर, होगी सर, हाँ हाँ अब शो हो रही, अब शो हो रही बेटा, अब शो हो रही बेटा, ओके सर। अब जो तुम्हारी वो जो है ना पीपीटी वाला जो पोर्शन है वो क्लिक करो जरा, स्क्रीन पे आएगा तो हम बताएंगे आपको। पीपीटी आ गई सर? नहीं अभी नहीं आई, वेट ए मिनट। आप जब मेरी बात सुनो बेटा, हो गया, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप स्लाइड शो यूज कर लो, नहीं नहीं इस पे नहीं, राइट आप दोबारा उस पे चले गए हो, टीम्स वाले पे, ये इस विंडो पे नहीं जाना है, आप उस पे जाइए जिसमें आपकी पीपीटी है, उस पे क्लिक करो, क्योंकि ये आपके लिए तो यही शो होएगा जो अभी हमें शो हो रहा है। सर मैंने तो स्टार्ट कर दिया पीपीटी यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, पीपीटी स्टार्ट होता तो बेटा वो हमें स्क्रीन पे नजर आता, आपने क्विट कर लिया उस विंडो से ना, जहाँ आपने पीपीटी खोली हुई थी ना, ये जो शेयरिंग लिखा हुआ है ना, टीम्स microsoft.com इज शेयरिंग लिखा हुआ है ना आपकी स्क्रीन पे। एक मिनट सर, आपकी स्क्रीन पे अब हो गया, ठीक है। अब स्लाइड शो यूज करो, स्लाइड शो स्टार्ट करो रितु, F5 से या राइट साइड को जो भी आपके आइकन वगैरह होते जिससे करते हो। सर अब हाँ हो गया, स्लाइड शो हुए? हाँ नहीं स्लाइड शो नहीं हुआ अभी, ये लिखा हुआ ना लेफ्ट साइड को जो फाइल के नीचे जो आइकन बना हुआ फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड शो का आइकन। सर मैंने स्लाइड शो तो कर दी है, मेरे को लग रहा है कि नेट कनेक्टिविटी का इशू है, लेट हो रहा है सब कुछ। चलो वेट ए मिनट, चलो एक काम करो, आप प्रोसीड करो, आप प्रोसीड करो बेटा, कोई नहीं स्क्रीन पे कुछ तो नजर आ रहा है हम लोगों को, है ना? ओके सर, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, हाउ डू वी प्रिपेयर सिलिकॉन्स। सो सिलिकॉन्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिलिकॉन हैलाइड्स चाहिए, जैसे हिमानी ने बताया। सिलिकॉन हैलाइड्स का कोई एक टाइप ले लिया मैंने, जैसे क्लोरोसिलेंस। क्लोरोसिलेंस में भी हमें उसमें अल्काइल और अराइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। जब हमें अल्काइल और अराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन मिल जाएगा तो हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो है, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H2O ऐड करना। मैंने H2O ऐड किया, उसके बाद मेरे पास सिलिकॉन्स बन जाएगा। तो उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करेंगे, क्लोरोसिलेंस। क्लोरोसिलेंस प्रिपेयर करके उसमें अल्काइल और अराइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाएंगे और उसके बाद जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करके सिलिकॉन्स बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रिपेरेशन ऑफ क्लोरोसिलेंस करते हैं हम। उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एलिमेंटल सिलिकॉन चाहिए। तो एलिमेंटल सिलिकॉन हमारे नेचर में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में हम क्या करेंगे, कार्बन की रिडक्शन करवाएंगे। कार्बन की रिडक्शन के करवाने के साथ हमें क्या मिल जाएगा, एलिमेंटल सिलिकॉन। एलिमेंटल सिलिकॉन मिलने के बाद हमें क्या चाहिए, क्लोरोसिलेन। तो हम क्या करेंगे, सिलिकॉन में क्लोरीन ऐड करवाएंगे। क्लोरीन ऐड करवाने के बाद हमारे पास बन जाएगा SiCl4 विच इज टेट्राक्लोरोसिलेन। अब हमें पता है टेट्राक्लोरोसिलेन में अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराना है, और जब भी हम अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ये अल्काइल और एराइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। तो अल्काइल ग्रुप हो गया हमारा RMgCl, RMgCl हमने ऐड किया टेट्राक्लोरोसिलेन में, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया ट्राईक्लोरोसिलेन विद अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, और MgCl2 बाहर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ये जो हमारा बना ट्राईक्लोरोसिलेन विद सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसमें H2O ऐड करेंगे। H2O ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड सर, अब कुछ शो हो रहा है वैसे? हाँ हो रहा है, नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही अभी, लेकिन आ जाएगी नेक्स्ट स्लाइड भी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, टू स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। जैसे मैंने बताया ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमने ऐड किया था, तो रितु बेटा आई थिंक तुम्हारा माइक ऑफ हो गया है, हम आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है।
माइक ऑन करना। हिमानी कांटेक्ट करो रही, तुझे देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर माइक ऑफ हो गया। हाँ बेटा वो तो मुझे भी दिख रहा है, मैं बता तो रहा हूँ, बाकी पता नहीं रितु को हम लोगों की आवाज आ रही है या नहीं आ रही, डोंट नो। सॉरी सर, कनेक्शन लूज हो गया था। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये चीजें चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसीड करो आप। तो कहाँ पे सर एंड हुआ था, मैं तो पढ़ा रही थी। कोई दिक्कत, जहाँ जहाँ बस ये यहाँ पे बस। हाँ यहीं से शुरू कर लो बेटा। तो यहाँ पे दो स्टेप्स इन्वॉल्व हुए थे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना लिया हमने, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हम ऐड करेंगे टेट्राक्लोरोसिलेन में। टेट्राक्लोरोसिलेन में जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्राईक्लोरोसिलेन विद एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड, और MgCl2 जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जो हमारा ये ट्राईक्लोरोसिलेन है ये भी फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने लगता है और ग्रुप्स और एक और बना लेता है यहाँ पे डाईक्लोरोसिलेन, डाईक्लोरो डाई मिथाइल सिलेन, और MgCl2 प्रेसिपिटेट आउट हो गया, और ये भी दोबारा से फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और एक और ग्रुप बना लेगा, एक और कंपाउंड बना लेगा क्लोरोसिलेन, एंड फिर ये दोबारा से ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ऐड करेगा और लास्ट में हमारे पास बन जाएगा टेट्रा अल्काइल सिलेन और MgCl2 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बट इस प्रोसेस में एक दिक्कत ये आती है कि हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है, मिक्सचर हमें नहीं चाहिए, ये हेल्पफुल प्रोसेस नहीं है, हमें इस प्रोसेस को एक डायरेक्ट प्रोसेस से रिप्लेस कर देते हैं, और वो डायरेक्ट प्रोसेस क्या है, मुलर रोचो प्रोसेस। तो हम मुलर रोचो प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल ही डायरेक्ट है और इसमें हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मुलर रोचो प्रोसेस, मुलर रोचो प्रोसेस डेवलप किया था ई जी रोचो ने इस डायरेक्ट प्रोसेस में क्या किया था, एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी एलिमेंटल सिलिकॉन से, ठीक है, और एट द टेम्परेचर 250 to 558 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर था, और इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलिकॉन जो है मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द टेम्परेचर रेंज 250 to 550 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, डाईक्लोरो डाई मिथाइल सिलेन। अभी हम यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स बना रहे हैं, बाद में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करके सिलिकॉन्स बनाएंगे। और कुछ और एडिशनल रिएक्शंस हैं जो कि हम जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे ओलिफिन्स हमें पता है क्या होता है, डबली बॉन्डेड एल्काइल चेन्स होती हैं। जब हम ओलिफिन्स की रिएक्शन करवाते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड से, कुछ ऐसे सिलेन से जिसमें SiH बॉन्ड है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है क्लोरोसिलेन्स विद सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल और एराइल ग्रुप। बट ये प्रोसेस, ये रिएक्शन ज़्यादातर कब यूज करते हैं हम, जब हमें सिलेंस की प्रोडक्शन, वो वाले सिलेंस की प्रोडक्शन करनी होती है जिसमें हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप चाहिए, पॉलीफंक्शनल मतलब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हमें उसमें चाहिए, तो हम ये वाली रिएक्शन यूज़ करेंगे। और ये वाली रिएक्शन का एक हम ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिया CH3SiHCl2, इसकी रिएक्शन करवाई, इसमें देख सकते हैं SiH बॉन्ड है और यहाँ पे डबली बॉन्डेड एक मैंने ले लिया सियानोइथीन। इन दोनों की रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास ये बना बीटा सियानो इथाइल मिथाइल डाईक्लोरोसिलेन। इसमें क्या है, हमारे पास देखो दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इस रिएक्शन को हमेशा इसी चीज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स चाहिए। और उसके बाद हम क्लोरोसिलेन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन से। रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन और ट्राईक्लोरो मिथाइल सिलेन। तो अब इन दोनों के जब हम रिएक्शन करवाएंगे ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बनेगा डाईक्लोरो डाईमिथाइल सिलेन। अभी हमने यहाँ पे बना लिए, अभी हमने जो पिछले सारे प्रोसेस पढ़े उसमें सिर्फ ये बनाए थे हमने क्लोरोसिलेन्स विद सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल और अराइल ग्रुप, लेकिन हमें प्रिपेयर क्या करना था, सिलिकॉन्स। तो हम क्या करेंगे, इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे,
मैंने पहले ही उसमें बताया था, हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ H2O. हम इसमें एडिशन ऑफ H2O जब करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा डाई मिथाइल सिलेनॉल. H2O ऐड करने के बाद ओल मतलब OH ग्रुप आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास बना डाई मिथाइल सिलेनॉल. अब इस डाई मिथाइल सिलेनॉल से हम सिलिकॉन्स बनाएंगे. डाई मिथाइल सिलेनॉल में मतलब OH ग्रुप्स हैं. OH ग्रुप से हमें एक चीज पता लगती है कि हम इसमें पॉलीमराइज कर सकते हैं. पॉलीमराइज मतलब हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का मीनिंग होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिमूवल ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप्स हैं, हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे डाई मिथाइल सिलेनॉल के, और यहाँ पे जो है हम H2O रिमूव करवा लेंगे. H2O रिमूव करवाने के बाद हमारे पास लीनियर डाइमर बनेगा. लीनियर डाइमर ठीक है, यहाँ पे ये लीनियर डाइमर ऑफ सिलिकॉन हो गया. लेकिन हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अभी हमारे पास और भी एक्टिव OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो हम और पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं और बड़ी चेन बना सकते हैं जितनी हमें चाहिए. तो हम इसमें आगे क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, हमने बहुत सारे चार सिलेनॉल ले लिए, 4 से 5 सिलेनॉल मॉलिक्यूल्स ले लिए और सबकी पॉलीमराइजेशन करवाई, सब में से H2O रिमूव करवाया और हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन गई, लॉन्ग नेटवर्क बन गया. तो ये क्या है, लीनियर सिलिकॉन है, सॉरी नेटवर्क नहीं, लीनियर सिलिकॉन है और लॉन्ग चेन है. और ये बहुत ही ईजी रिएक्शन है, इसमें मतलब दिखने में बड़ी है बट हम इसको बहुत ईजिली लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स. अभी मैंने पीछे लीनियर सिलिकॉन्स पढ़ाया, लेकिन अब हम क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स पढ़ेंगे. क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स में भी हमें क्या चाहिए, एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन चाहिए. ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन ग्रुप्स होने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एडिशन ऑफ H2O करेंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स. अब इसके लिए हमें पहले प्रिपेयर करना है एल्काइल और एराइल ट्राइक्लोरोसिलेन. तो हमने यहाँ पे लिया एल्काइल, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या पहले लेंगे मिथाइल क्लोराइड, उसमें सिलिकॉन एलिमेंटल सिलिकॉन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर. तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल सिलेन. अब देख सकते हैं ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन. अगर ये रिएक्शन नहीं करवानी तो हम एक और ले सकते हैं, सिंपल है, टेट्राक्लोरोसिलेन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड कर देंगे और सिंपली हमारे पास बन जाएगा ट्राइक्लोरोसिलेन विद सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप और MgCl2 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. अब हमने क्या किया, ये ट्राइक्लोरोसिलेन मिला, इसमें एडिशन ऑफ वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस करवाई. हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारे पास बना ट्राइहाइड्रोक्सीसिलेन. ट्राइहाइड्रोक्सीसिलेन मतलब 3 OH ग्रुप. सिंपली जो यहाँ 3 Cl थे वो वाटर के 3 OH ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो गए और यहाँ हमारे पास ट्राइहाइड्रोक्सीसिलेन, और हम यहाँ इसको बोल सकते हैं ट्राई सब्सटीट्यूटेड सिलेनॉल. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो OH ग्रुप्स आए हमारे पास, इसकी हम क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे. पॉलीमराइजेशन के लिए हमने लिए पहले लिए मॉलिक्यूल सिलेनॉल, ट्राई सब्सटीट्यूटेड सिलेनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पॉलीमराइजेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करवाया, कंडेंसेशन करवाई और यहाँ पे चेन बन गई सिलेनॉल की. इसमें अभी और भी एक्टिव OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो और एक्टिव OH ग्रुप्स प्रेजेंट है इनकी भी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे. इस सारे के सारे H2O रिमूव करवाएंगे. सारे के सारे H2O रिमूव करवाने के बाद जो हमारे पास बनेगा वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, और वो नेटवर्क क्या उसको क्या कहते हैं हम, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स. पीछे जो मैंने पढ़ाया वो लीनियर था और यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड है. क्रॉस लिंक्ड मतलब कि एक बड़ा नेटवर्क बनेगा सिलिकॉन का. उसके बाद है कि अगर हमें साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें जो हाइड्रोलिसिस करनी है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में करनी है. अगर हम कंट्रोल्ड कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगी. जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो ट्रिस साइक्लो डाई मिथाइल सिलोक्सेन. ट्रिस साइक्लो डाई मिथाइल सिलोक्सेन में क्या है, 3 SiO बॉन्ड है, 3 सिलिकॉन है और उनके साथ एक एक ऑक्सीजन ऐड है और साथ में R ग्रुप्स हैं, 2 R ग्रुप्स हैं. और ये R ग्रुप्स अगर हम मिथाइल लेकर चलें तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Me2 मिथाइल 2 SiO और बाहर 3 लिख दिया, मतलब 3 है हमारे पास, 3 मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक रिंग. अगर हमें ये 4 में चाहिए तो हम 4 में भी SiO बॉन्ड बना सकते हैं विद R ग्रुप्स ले लेंगे और हमारे पास बन जाएगा टेट्राक्लिक साइक्लो डाइमिथाइल सिलोक्सेन. नेक्स्ट है हमारे पास फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन. अभी हमने जो पीछे पढ़े उसमें फिनाइल ग्रुप नहीं था, उसमें हम एल्काइल ग्रुप्स लेकर चल रहे थे. तो सिंपल अगर हमें फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन बनाने हैं तो कुछ भी नहीं कर, इसमें हम सिर्फ फिनाइल की एडिशन करवाएंगे. फिनाइल कहाँ से आएगा, बेंजीन से आएगा.
तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे ट्राइक्लोरोसिलेन की बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। सूटेबल कैटलिस्ट कौन से होंगे इसमें, यहाँ पे बोरोन के कंपाउंड्स होंगे, हमें बोरोन के कंपाउंड्स ऐड करने हैं एट द टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। और कंडीशन क्या चाहिए, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर हो, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो और कैटलिस्ट बोरोन कंपाउंड्स। और किसको लेना है हमें, ट्राइक्लोरोसिलेन को लेना है बेंजीन की प्रेजेंस में, बेंजीन को हम, और इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन्स और H2 रिमूव हो जाएगा। लेकिन हम इस रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजीन होता है SiH बॉन्ड होते हैं फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन्स में, ट्राइक्लोरोसिलेन में जो HSI बॉन्ड होता है वो बेंजीन के डबल बॉन्ड पे जाके अटैच हो जाता है, SiCl3 ऐड हो गया यहाँ पे और ये इंटरमीडिएट बन गया। इस इंटरमीडिएट से हम दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन और ट्राइक्लोरोसिलेन H2 और CC6H6 जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे प्रिपरेशन हो गए फिनाइल क्लोरोसिलोक्सेन्स की। एंड द लास्ट स्लाइड इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। जो सिलिकॉन पॉलीमर्स है, अब हमने वो प्रिपेयर तो करे लेकिन उसमें फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट है। पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। जो हम एल्काइल और एराइल ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं उनका नेचर क्या है, वो बड़ा है, वो छोटा है, किस साइज का है, तो इस सबसे पहले इस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड किस पे डिपेंड करेगा कि हम ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, अगर मोर देन वन टाइप ऑफ आर ग्रुप है, एक से ज्यादा टाइप है आर ग्रुप के, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। एंड थर्ड पॉइंट इज टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जो हमने स्ट्रक्चरल यूनिट्स ली उनकी टाइप क्या है और किस प्रोपोर्शन में जाएगा। जैसे मैंने बताया OH ग्रुप्स, एक्टिव OH ग्रुप्स कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी पॉलीमराइजेशन होगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग। जो क्रॉस लिंकिंग बनी, नेटवर्क बना, वो कितना बड़ा है उसके और कितना बड़ा बन सकता है, वो उसके एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा। और लास्ट पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द चेन। जो हमने चेन ली उस वो कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, मीडियम साइज की है, उस पर भी डिपेंड करेगा सिलिकॉन पॉलीमर्स। तो जो शॉर्ट चेन सिलिकॉन्स होते हैं, जो जिसमें चेन, जो लेंथ ऑफ चेन होती है वो छोटी होती है सिलिकॉन्स में, वो ऑयली लिक्विड्स होते हैं, मतलब लिक्विड्स होंगे, थोड़ा ऑयली टाइप होगा। लेकिन जो मीडियम चेन सिलिकॉन्स है वो विस्कस लिक्विड, मतलब ज्यादा डेंस होंगे। डेंस हमें पता है ग्रीसेस, जेलीज एंड विस्कस ऑयल्स। लेकिन जो लॉन्ग चेन्स है, लॉन्गर क्रॉस लिंकिंग जिसमें होती है, वो रबड़ लाइक पॉलीमर्स होते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच बेटा। कोई स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन करना चाहता हो तो इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, किसी कुछ क्वेरी हो इनकी प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, हिमानी और रितु बोथ इनसे जो भी आप अगर किसी को कुछ करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी स्टूडेंट। कोई क्वेश्चन नहीं है एज यूजुअल, हमारे जो ये टीम के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं वे आर सो इंटेलिजेंट, इन्हें लगभग सब कुछ क्लियर होता है पहले ही। और हाँ बोलो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन था सर, सिलिकॉन सर हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं सर। बेटा आप लोगों ने सुना सागर ने क्वेश्चन नहीं नहीं करते इफेक्ट। सागर यू, आपको आंसर मिल गया, इन्होंने आंसर दिया जो इट इज सॉल्युबल इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई इसकी इतनी वो नहीं है, सिंपल है बस। थैंक यू बेटा एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने काफी मेहनत करी प्रेजेंटेशन पे और sir, काफी टाइम लिया। बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ आपको जब ये सिलिकॉन हम पढ़ाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का लेक्चर करवा दूँ, मेरी जान छूट जाएगी उससे थोड़ी सी, है ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम, अच्छी तरह प्रिपरेशन करेंगे। ओके अभी सिलिकॉन से प्रिपेयर कर पाए आगे, क्योंकि यही बहुत बड़ा हो गया था। नहीं ये वो यही बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये काफी बड़ा हो जाए। कोई एनी हाउ फिर भी बहुत बढ़िया है आपका, वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अब हम नई टीम के पास चलते हैं, जो नई जो टीम है हमारी जो नेक्स्ट डील करने वाली है शगुनदीप और शरणदीप की है। हाँ तो बेटा, आई एम ऑडिबल बेटा, शगुनदीप एंड शरणदीप आप लोग।